प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र नाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। आप लोग जिस प्यार सुनने से मेरे वीडियो प्रोग्राम को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। आप लोग जिस प्रकार से फरमाइश कर रहे हैं, एक दिन में पूरा तो मैं नहीं कर सकता हूँ। आपके सहयोग के लिए मेरे प्रत्येक वीडियो मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, फिर भी मैं बोल देता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर 9425308। आज मैं सूर्य ग्रह के बारे में बतला रहा हूँ। सूर्य ग्रह किन किन लग्नों में क्या प्रभाव देता है, मैं मेष लग्न से लेके मीन लग्न तक के बारे में बतला रहा हूँ। जिस व्यक्ति का के कुंडली में मेष लग्न है, उसमें सूर्य बैठा हुआ है, ऐसे लोग चरित्रवान होते हैं, समझदार होते हैं, भावुक होते हैं, दयालु होते हैं, उदार होते हैं। जिस व्यक्ति के कुंडली में वृषभ लग्न है, उसमें सूर्य बैठा हुआ है, ऐसे लोग अच्छे पद की प्राप्ति करते हैं, अच्छी उन्नति प्राप्त करते हैं, उस जीवन का सफल रहता है। जिस व्यक्ति का मिथुन लग्न है, उसमें सूर्य बैठा हुआ है, ऐसे लोग माता पिता के सेवक होते हैं, माता पिता से अच्छे जमीन जायदाद मिलता है, धन दौलत मिलता है, और भाई बंधुओं का इनको स्नेह प्यार हमेशा मिलते रहता है। जिस व्यक्ति का कर्क लग्न है, उसमें सूर्य अगर बैठा हुआ है, ऐसे लोग जिद्दी होते हैं, क्रोधी होते हैं, वो हैं ऐसे लोग गलत संगत करते हैं और सोच गंदी होती है। जिस व्यक्ति का सिंह लग्न है, उसमें सूर्य बैठा हुआ है, ऐसे लोग इच्छानुसार शिक्षा प्राप्त करते हैं, इच्छानुसार पद प्राप्त करते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं और सम्मानजनक उन्नति करते हैं। जिस व्यक्ति का कन्या लग्न है, उसमें सूर्य बैठा हुआ है, ऐसे लोग शत्रु विहीन होते हैं, ऐसे लोग शत्रु को भी मित्र बनाते हैं, कभी इनका चरित्र खराब नहीं होता, कभी जेल नहीं जाता। जिस व्यक्ति का तुला लग्न है, उसमें सूर्य अगर बैठा हुआ है तो महिला है तो उसके चरित्र खराब हो जाते हैं, पुरुष है तो उनके चरित्र खराब हो जाते हैं, ऐसे लोग का दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं होता है, कुंवारे लड़का लड़की है तो इच्छानुसार शादी नहीं कर पाते। जिस व्यक्ति का वृश्चिक लग्न है, उसमें सूर्य बैठा हुआ है, ऐसे लोग कलाकार होते हैं, गुप्त विद्या के ज्ञाता होते हैं, संगीतकार होते हैं, लेखक होते हैं, साहित्यकार होते हैं। जिस व्यक्ति का धनु लग्न है, उसमें सूर्य बैठा हुआ है, ऐसे लोग अक्षमातिक पद की प्राप्ति करते हैं, संसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, नेता बनते हैं, राजनीति में सफलता प्राप्त करते हैं। जिस व्यक्ति का मकर लग्न है, उसमें सूर्य अगर बैठा हुआ है, ऐसे लोग उद्योग के द्वारा धन कमाते हैं, ऐसे लोग व्यापारी विचार के होते हैं, ऐसे लोग कभी कर्जदार नहीं होते। जिस व्यक्ति का कुंभ लग्न है, उसमें सूर्य बैठा हुआ है, ऐसे लोग शंकित होते हैं, कम परिश्रम में अधिक धन कमाना चाहते हैं, इनके जीवन में ये जीवन में कर्जदार हो जाते हैं और भाग दौड़ जीवन में इनको अधिक करना पड़ता है। जिस व्यक्ति का मीन लग्न है, उसमें सूर्य बैठा हुआ है, दोस्तों क्या बात है, ऐसे लोग जीवन में पूर्ण सफल होते हैं, इनके चौथेपन अच्छे जाते हैं, इनके संतान योग्य कथनानुसार होते हैं और समाज में अच्छी अपनी पहचान बनाते हैं, अच्छी इज्जत प्रतिष्ठा बनाते हैं। ये छोटा सा वीडियो सूर्य ग्रह किन किन राशि या लग्नों में अच्छा होता है, ये आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, इसको सुनिए। प्रत्येक लग्नों के बारे में, सूर्य के बारे में मैंने बताया, इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मुझसे संपर्क करिएगा, मैं प्रयास करूँगा आपका उत्तर देने के लिए। इतना करते हुए वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ, नमस्कार।